हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो आज गाइस मैं सीधा पॉइंट पे बात करने वाला हूँ और आज मैं कोई इंट्रो वगैरह नहीं करने वाला। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर कर देना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने कभी आज तक बोला नहीं आपको वीडियो शेयर करने के लिए, तो आज मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को शेयर कर देना इतना कि ये लोगों तक पहुँचे और लोगों को अवेयरनेस हो और कैसे उनको बचना है वो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज मैंने सुबह 9:24 पे अपनी स्विगी की आईडी ऑन की और स्विगी की आईडी ऑन करते मेरे पे ना 2 मल्टी ऑर्डर बज गए। जैसे मल्टी ऑर्डर बजे तो मैं ऑर्डर को पिकअप करने के लिए सिंगला पे चला गया। सिंगला पे जाके मैं अपनी टी शर्ट पहन के ना सेल्फी दे रहा था तो मेरे पास एक बंदा आया, उसने पूरा मुँह ना कपड़े के साथ लपेटा हुआ था, जो गमछा होता है ना वो पूरे मुँह पे लपेट रखा था। और बंदा मेरे पास आया, वो पूछने लग गया कि भाई स्विगी में काम करता हूँ। मैं कहा हाँ भाई स्विगी में काम करता हूँ। तो कह रहा कि भाई रेट कार्ड क्या चल रहा है। मैंने कहा वही है भाई 20 रुपये। तो मैंने कहा क्या स्विगी में काम करना है। कह रहा हाँ भाई स्विगी में काम करना है। तो मैं उसको नॉर्मली बताने लग गया। मेरे पास बहुत से बंदे आते हैं, वो पूछने लग जाते हैं कि भाई स्विगी में काम कैसा है। तो मैं भी उसको नॉर्मली बात कर रहा था, उसको बताने लग गया कि भाई स्विगी में ये रेट कार्ड चल रहा है, ये कौन सा सर्च मिल रहा है। तो मैं उसको बताया ये सर्च मिल रहा है भाई भी तो 11 बजे तक। बंदे ने क्या करा, मेरे फ़ोन में रेट कार्ड आ रहा था ना उसकी फ़ोटो खींचने लग गया। तो मैंने पूछ लगा, मैंने कहा भाई तू कौन है। फिर मेरा दोस्त आके बोलने लग गया, कह रहा भाई ये जोमेटो का टीएल है। भाई बंदे की ना यूनिफॉर्म ना आई कार्ड ना कुछ भी नहीं, कहने का मतलब नॉर्मल सिविल ड्रेस के अंदर बंदा घूम रहा है और स्विगी के राइडरों से उसका रेट कार्ड पूछ रहा है। भाई ये देखो इनका नया तरीका, बंदा झूठ बोल के कि भाई मेरे को काम करना है, क्या रेट कार्ड चल रहा है, बंदा आता है। अरे भाई तू अपने जोमेटो की जो प्रॉब्लम है उनको तो सॉल्व कर ले भाई। स्विगी के राइडरों का रेट कार्ड पूछ पूछ के स्विगी में भी वही गंद मचाना है, हैं? फिर जोमेटो का भी वही रेट कार्ड कर देना है। जैसे स्विगी में जोमेटो के टीएल आ रखे हैं, कुछ बंदे आ जाते हैं वो नाश मार देते हैं। भाई स्विगी का पहले इतना अच्छा सिस्टम था, अब बिल्कुल ही खराब कर रखा है, हैं? तो भाई ये इन्होंने ना गंद मचा रखा है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, स्पेशली मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आपके पास कोई भी बंदा आता है बोलता है जोमेटो का टीएल हो, ठीक है, पहले तो आप उसकी यूनिफॉर्म देखो। अगर आप लोगों की यूनिफॉर्म देखी जाती है ना, टी शर्ट कहाँ है, बैग कहाँ है, तो आप भी पूछ सकते हो भाई आपका आई कार्ड कहाँ है और आपकी टी शर्ट कहाँ है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ये भाई सिविल में घूमते रहते हैं, कंपनी को नहीं पता होता भाई ये सिविल में घूमते हैं। यूनिफॉर्म दी होती है, यूनिफॉर्म पहनते नहीं है, ये सब बहानेबाज होते हैं। तो भाई जोमेटो के राइडर को परेशानी हो रही है, उनको सही करो, उनकी सुनवाई नहीं होती है। स्विगी के राइडरों का रेट कार्ड पूछना है इनको भाई। मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा भाई मैं तेरे को फोटो नहीं दूंगा, ठीक है, मैं तेरे को फोटो क्यों दूं। तू भाई चुपके से आ रहा है और कहने का मतलब मेरे से झूठ बोल के तू फोटो ले रहा है, मैंने कहा चोरी है। तू भाई यही चीज़ें तू आगे फॉरवर्ड कर देगा है, ये तो भाई चोरी कर रहा है, कहने का मतलब मेरे फ़ोन से फोटो लेके चोरी कर रहा है तू। कह रहा भाई चोर मत बोल। मतलब भाई मैं तो चोर बोलूँगा, चोरी है, तू चोरी कर रहा है मेरे फ़ोन से। गुस्सा करने लग गया है भाई, उंगली दिखाने लग गया। मैंने भाई उंगली मत दिखा, ठीक है, ये चीज़ें भाई गलत होती हैं। जब यार ये दूसरे राइडर के साथ ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, अपने राइडर के साथ कैसे बदतमीजी करते होंगे भाई ये। मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों के साथ कोई भी टीएल बदतमीजी करता है उसी टाइम पे FIR करा दो भाई, चाहे जोमेटो का है चाहे स्विगी का है। कोई भी अपना फ़ोन मत दिखाओ, कोई भी रेट कार्ड पूछता है मत दिखाओ, ठीक है। आपकी हेल्प करने के लिए टीएल बैठे नहीं होते, इनको आप बोल दो ये बोलेंगे कि फ़ोन से अपना टिकट राइज कर दो, इनके हाथ में कुछ नहीं होता। ये अपना नंबर बनाने के लिए, अपने अर्निंग को बढ़ाने के लिए ये लोगों के पीछे घूमते हैं, कुछ नहीं होता भाई इनके हाथ में। और राइडर को ही बोलते हैं कि भाई तू अपने फ़ोन से टिकट राइज करते, किसी के पैसे कट गए अपने फ़ोन से टिकट राइज करते, किसी का कुछ हो गया अपने फ़ोन से टिकट राइज करते। तो ये कहने का मतलब लोग दिखावा करते हैं, राइडर को बोलते हैं बस। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी टीएल मिलता है पहले तो आप उसका आई कार्ड देख सकते हो, आपका हक है देखने का, ठीक है। कोई भी अगर आपको टीएल मिलता है आप उसका आई कार्ड देखो, आप उसकी टी शर्ट देखो, डरने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसका देख सकते हो। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर दो, सीधी सी बात है, सीधा डायरेक्ट हो आप कंपनी के साथ, आप सीधा जुड़े हुए हो, आप कंपनी के साथ बात कर सकते हो। गाइज आपकी क्या राय है आप मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और किसी भी टीएल से डरने की जरूरत नहीं है भाई। पहली बात तो इनसे दूर ही रहो क्योंकि ये किसी काम नहीं आते,
आपका एक भी काम नहीं करेंगे भाई ये, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैंने तो देख रखा है भाई। अभी भी किसी को अपना फोन नहीं दिखाना, ना अपनी आईडी दिखानी, चाहे जोमेटो का टीएल है चाहे स्विगी का टीएल है। आप काम करते रहो इनसे दूरी बना के रखो, बहुत फायदा रहेगा आप लोगों को भाई। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। कई लोग डर जाते हैं, नए नए राइडर लगते हैं ना तो वो डर जाते हैं, सीधा टीएल पे जाता है। अरे भाई अपने फोन से टिकट राइज करो, सारा कुछ आपके फोन पे आ जाता है। और अपनी आईडी किसी को शो मत किया करो, ठीक है, और ध्यान रखना। और कोई भी अगर आपको नया राइडर मिलता है उसको समझा दिया करो, लेकिन टीएल के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अपना फोन किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है भाई, अपना फोन अपने पास रखा करो। रेड कार्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है राइडर को स्पेशल भाई। कोई जोमेटो का टीएल मिलता है ना, रेड कार्ड दिखता है, मत दिखाया करो। अपने पास जो भी पेनल्टी आती है वो आप खुद भी मंगवा सकते हो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है भाई। पुराने राइडर से बात करो, उनसे सीखो, वो आपको सारा कुछ समझा देंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। क्या है गाइज आजकल पता क्या है, आजकल लोग ना अपनी खुशी को लेके खुश नहीं है, दूसरे की खुशी को लेके दुखी ज़्यादा है कि भाई ये इतने पैसे क्यों कमा रहा है। हम